नमस्कार, लाइव इंडिया हरपल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काजल मेहता। खबरों की शुरुआत करते हैं कर्नाटक से, जहां कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सरजादे को राजा महाराजाओं का योगदान याद आता है। वोट बैंक के लिए वे राजा महाराजाओं के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन नवाबों बादशाहों सुल्तानों के खिलाफ उनमें एक शब्द बोलने की ताकत नहीं है। कांग्रेस के तुष्टिकरण की मानसिकता अब खुलकर देश के सामने आ रही है। बातों के साथ क्या कुछ कहा अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, सुने। ये कांग्रेस के साहजादे को इन राजा महाराजाओं का योगदान याद नहीं आता है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के लिए वे राजा महाराजाओं के खिलाफ बोलने की हिम्मत करते हैं, नवाबों के खिलाफ, बादशाहों के खिलाफ, सुल्तानों के खिलाफ एक शब्द बोलने की उनमें ताकत नहीं है। कांग्रेस की तुष्टीकरण की मानसिकता अब देश के सामने खुलकर के सामने आ रही है, और यही बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, गरीब और कमजोरों की जमीन पर कब्जा करने वाली माफिया सरकार नहीं चाहिए, उन्हें अपने स्वामित्व योजना में मालिकाना अधिकार देने वाली सरकार चाहिए। इन्हीं बातों के साथ आदित्यनाथ योगी ने क्या कुछ कहा, सुने। व्यापारी को स्वनिधि देने वाली सरकार चाहिए, स्वनिधि का तोहफा देने वाली सरकार चाहिए। हमें गरीब और कमजोरों की लैंड पर कब्जा करने वाले माफिया नहीं चाहिए, हमें तो उन्हें स्वामित्व योजना में मालिकाना अधिकार देने वाली सरकार चाहिए, और ये काम केवल भाजपा कर सकती है। और इसीलिए मैं आया हूं, इस जाति के सौदागर परिवार जाति के नाम पर आएंगे, परिवार का पेट भरेंगे, और बाद में जनता की अमानत पर, उनकी इज्जत पर भी हाथ डालने का काम करेंगे। इन लोगों को दोबारा सत्ता में आने का कोई अधिकार नहीं। अगली खबर की ओर, जहां बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, लोग बार बार कहते हैं कि हम सब 17 महीने सरकार में रहे तब हमने 5 लाख नौकरियां दी, लेकिन आज जो 3 लाख नौकरी प्रक्रिया जो हम अधीन करके आए हैं उसकी बहाली कब होगी, ऐसी बातों के साथ तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा, डाली एक नजर। बीजेपी वाला लोग काम का बात कर ही नहीं सकता है। हम 5 लाख नौकरी दिए, मेरे निकलते पेपर लीक हो गया, 1 लाख बहाली बचा हुआ है उसमें, और 3 लाख बहालियां जो है हम प्रक्रियाधीन करके आए, क्यों नहीं दे रहा ये लोग नौकरी। एक नहीं दूदू को डिप्टी सीएम बनाया, और काम के नाम पे कोई बकवास खाली करता है। लोग दिन भर बंद हो जाएंगे तो मंगलसूत्र ले लेगा, तो ये कर लेगा, फल्ला कर लेगा, और कोई काम सुने इन लोगों का। नौकरी के बारे में, पलायन के बारे में, गरीबी के बारे में, महंगाई के बारे में, किसान के आय दुगुना करने के बारे में, बिहार को विशेष राज दर्जा देने के बारे में ये भाजपा के लोग बात ही नहीं कर सकते। खाली दिन भर ये बंद हो जाएगा, वो खुल जाएगा, अरे कोनो मतलब है इसका? मेरे बंद होने से जनता का फायदा है कि नुकसान है? तो बात को समझिए। मेरा केवल भाजपा के लोगों से और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी से यही सवाल है कि मेरा जो 4 लाख बाकी का नौकरी जो हम साइन करके आए हुए हैं, वो क्यों नहीं ये लोग बहाली निकाल रहे हैं? सभी विभागों में प्रक्रियाधीन नौकरियां हैं, वो निकालना चाहिए। 1.5 साल 20 में मैंडेट मिला था, 1.5 साल में क्यों नहीं भाजपा नौकरी दी? या 17 साल पहले हम 17 महीने में आए तो 5 लाख लोगों को मिला, और 3 लाख जिसमें कि पब्लिक हेल्थ कैडर स्वास्थ्य विभाग का 1.5 लाख का बाली बचा हुआ। बढ़ते हैं आगे, जहां आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पलटवार किया है और तेजस्वी यादव को जवाब दिया है। देखिए क्या कुछ कहा सम्राट चौधरी ने। देश में मजाक नहीं हो रहा है। उनके पिताजी 15 साल मजाक ही किए थे बिहार में, ये देश में मजाक नहीं हो रहा है। देश लोकतंत्र है और ये किसी परिवार का गुलाम नहीं है।
लालू प्रसाद जी ने 15 साल तक बिहार को क्या किया है बिहार की जनता जानती है। नरेंद्र मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को खाना दिया। ज्ञान नहीं है तो ज्ञान अर्जन करे। 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत से जोड़ने का काम किया। बोलने के लिए, सपना देखने के लिए सब स्वतंत्र हैं। जमानत बचा लें, जो पहला दो चुनाव का फेज का चुनाव हुआ है, जमानत बचाएं, कई सीटों पे पता चल जाए। वहीं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के बयान पर बिहार सरकार में मंत्री और भाजपा नेता मंगल पांडे ने कहा, तेजस्वी यादव के बयान से ऐसा लगता है कि वो खुद डिप्रेशन में है, जैसी बातों के साथ उन्होंने अपना बयान दर्ज किया। देखिए, तेजस्वी जी खुद डिप्रेशन में है, उनका बयान यही बताता है। हताशा, निराशा और जिस तरीके से जनता की उपेक्षा वो देख रहे हैं, उनको दिख रहा है कि 2019 हो, 2014 हो, 2009 हो, हर वक्त उनके पिताजी ने भी ऐसे ही वायदे किए थे चुनाव के पहले, जैसा आज तेजस्वी जी करते हैं। और जिस दिन रिजल्ट आता है ना, तो ये लोग दरवाजा बंद करके घर में अंदर चले जाते हैं, आप लोग से भी भेंट नहीं होता है। तो 4 जून को तेजस्वी जी से आप लोगों की भेंट नहीं होगी, क्योंकि उस दिन इनका स्कोर 0 रहने वाला है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां राहुल गांधी के द्वारा राजा महाराजाओं पर दिए गए बयान को लेकर बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने पटना एयरपोर्ट पर बयान दिया है। इस दौरान नितिन नवीन ने कहा कि हमेशा से राहुल गांधी विरोधाभास बयान देते हैं और समाज को हमेशा अपमानित करने का काम करते हैं। आगे मंत्री नितिन नवीन ने क्या कुछ कहा, सुने। समाज को हमेशा से उन्होंने विरोधाभास बयान देते रहे हैं और समाज को हमेशा उन्होंने कहीं ना कहीं अपमानित करने का काम किया, और मुझे लगता है कि उनको पता नहीं कि एक समाज को आप अपमानित करेंगे और दूसरे समाज का वोट मांगेंगे, ये कब तक खेल खेलेंगे। आज तक सनातन परंपराओं को चोट करते थे और संघ का वोट मांगते थे, अब आप इससे एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, फिर अभी हर समाज को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। आपने हर समय देश के लोगों को आपके कान सिर झुकाने का ही मौका मिला है। आपने कभी भी विदेश गए तो भारत के लोगों को गाली दिया, भारत में रहे तो जिस राज्य में रहे तो दूसरे राज्य को गाली दिया, ये कब तक चलेगा। राहुल गांधी जी आपको ये सबक सिखाएंगे, हर समाज के लोग आज कहीं ना कहीं आपसे प्रताड़ित हैं और आने वाले समय में राजपूत समाज भी आपको इस अपमान का बदला ले। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री डिप्रेशन में चल गए हैं, मुझे तो लग रहा है कि तेजस्वी यादव जी अपनी मनोवृत्ति बता रहे हैं। आज कहीं ना कहीं जो लंबे चौड़े सोचे थे कि सरकार बना लेंगे, वो सपना पूरा हुआ नहीं है। उनको मालूम है कि जिस दिन मोदी की फिर सरकार बनेगी, जितने बेल वाले लोग हैं वो फिर जेल जाएंगे। तो उनको मालूम है कि जिस दिन 4 जून के बाद उनको कहाँ जाना है, का मौका मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये जो घबराहट है, ये जो बेचैनी और ये जो डर है, इसके कारण ये बरबोलापन का। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के साथ उनकी जो बहू है वो चक्की पीसते नजर आई है, वो वीडियो वायरल हो रहा है, कहा जा रहा है संस्कारी बहू। ठीक है, आप लोगों ने इसके पहले भी कई तस्वीर देखे हैं, मैं उन तस्वीरों पे नहीं जाऊंगा। मेरा कहना है कि संस्कार है तो अच्छा है। हम लोग हमेशा चाहते हैं कि बिहार के लोग, लेकिन कहाँ गया वो संस्कार जब राम का अपमान हो रहा था, कहाँ गया वो संस्कार जब हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो रहा था। उस समय मौन बैठे हुए थे, उस समय कोई चिंता नहीं हो रही थी, उस समय टोपी पहनने के लिए परेशान थे, और जब वोट घिसकता हुआ नजर आया है तो चक्की पीसना है। चक्की पीसने से वो चक्की गांधी जी ने भी पीसा था और कहीं ना कहीं चरखा चलाया था, तो उन्होंने समाज को आगे लेके गए थे, आप केवल परिवार को आगे लेके जाए। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां लोकसभा चुनाव के बीच एक बड़ा झटका कांग्रेस को दिल्ली में लगा है। बता दें, अरविंद सिंह लवली ने दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। अरविंद सिंह लवली ने इस दिल्ली कांग्रेस से जो है पद से इस्तीफा दे दिया है, और अरविंद सिंह लवली ने अपना इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दिल्ली कांग्रेस इकाई आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के खिलाफ थी, आप जो है वो उस कांग्रेस पार्टी के खिलाफ झूठे, मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के एकमात्र आधार बनी थी। इसी के साथ लवली सिंह ने कांग्रेस से जो है वो इस्तीफा दे दिया।
वहीं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में अरविंद सिंह लवली के दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने पर पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बयान दिया है। बता दें उन्होंने कहा कि पता नहीं इस्तीफा देने के पीछे का कारण क्या है इन सारी चीज़ों के साथ, लेकिन कोई तो कारण होगा ही, जहां तक कि उन्हें मालूम है ज़रूर होगा। और इसी बातों के साथ क्या कुछ कहा उन्होंने, डाले एक नज़र। ये नहीं पता कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है, लेकिन जहां तक मैं अरविंदर सिंह लवली जी को जानता हूं तो कोई कारण रहा होगा, और वो कारण मुझे लगता है लवली एक देशभक्त आदमी है और कोई ना कोई ऐसा कारण रहा होगा। अब ये तो उनसे बात करने के बाद पता चलेगा, लेकिन कांग्रेस में कोई नहीं रहना चाहता, कोई देशभक्त कांग्रेस में रहना नहीं चाहता इस समय, कोई राष्ट्रभक्त कांग्रेस में रहना नहीं चाहता, सनातन को जो प्यार करता वो कांग्रेस में नहीं रहना चाहता, क्योंकि कांग्रेस सनातन विरोधी के होने के साथ साथ राष्ट्र विरोधी हो गई है। ये बड़ा भारी दुर्भाग्य का विषय है कि इतनी बड़ी पार्टी जिसने देश की आजादी की लड़ाई में भूमिका निभाई, वो पार्टी आज देश के विरोध में नारे लगाने वालों के साथ खड़ी है। जो भारत के टुकड़े करने वाले नारे लगाते हैं, भारत के टुकड़े करना चाहते हैं, उनको टिकट दिए जा रहे हैं। जो भारत को गाली दे रहे हैं उनको टिकट दिया जा रहा। कांग्रेस का नेतृत्व आज उन लोगों के हाथों में आ गया है जो देश के भी खिलाफ है, जो सनातन के भी खिलाफ है। अगली खबर की ओर जहां उत्तर प्रदेश में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एटा में जनसभा को संबोधित किया, साथ ही अपने संबोधन में जनता को उन्होंने क्या कुछ कहा, डाले एक नजर। मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश को, अखिलेश जी आपको प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला था या नहीं मिला था? ये राहुल बाबा को भी पूछना चाहता हूं, प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण आपको मिला था या नहीं मिला था? सोनिया जी को भी मिला, खड़गे जी को भी मिला, अखिलेश जी को भी मिला, डिंपल यादव को भी मिला, मगर कोई वहां नहीं गया। भाई और बहनों, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जो लोग नहीं गए हैं उनको मालूम है कि हम वो लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई थी, कार सेवकों पर गोली चलाई। भाई और बहनों, एटा की जनता ने तय करना है कि कार सेवकों पर गोली चलाने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी को वोट देना है या राम मंदिर बनाने के लिए अपनी सरकारें कुर्बान करने वाली भारतीय जनता पार्टी। मैं पूछ बढ़ते आगे जहां ओडिशा के केंद्रपाड़ा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में कई चीजों का उन्होंने जिक्र किया और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी वार किया। डाले एक नजर आप भी क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने। जैसे नरेंद्र मोदी ने 22-25 लोगों की अरबपतियों की सरकार वहां चलाई, वैसे ही यहां नवीन जी चुने हुए लोगों की सरकार चलाते हैं। पूरा का पूरा फायदा मुट्ठी भर लोगों का होता है और बाकी जनता देखती रह जाती है। तेलंगाना में हमारे यहां आज मंत्री आए हैं, वो आपको बताएंगे कि तेलंगाना में बीजेपी और बीआरएस की शादी थी। वहां पे हर रोज उनकी बारात निकलती थी, ड्रामेबाजी होती थी और कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना में दिखाया कि बीजेपी और बीआरएस एक हैं और अगर विपक्ष का कोई काम कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी कर रही है। और हमने 5 गारंटियां दी,
जिसने तेलंगाना की गरीब जनता को डायरेक्ट सीधा बैंक अकाउंट में पैसा दिया। बढ़ते हैं आगे, जहां राहुल गांधी के दिए गए बयान, राजा महाराजाओं पर दिए गए बयान को लेकर वीआईपी के संरक्षक और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने बयान दिया है। और अपने बयान में उन्होंने कहा है कि जाति से जोड़ना सही नहीं है किसी को भी। इन्हीं सारी चीज़ों के साथ क्या कुछ कहा, देखें। बताइए, अभी ये तो किसी जाति से जोड़ना सही नहीं ना। अभी जिसके पास ज़्यादा संपत्ति पहले हुआ करता था तो वो सीलिंग एक्ट के तहत लोगों को ले लिया गया था, और ताकि सभी लोगों को वह बराबर का हिस्सेदारी हो, तो इसमें हर्ज क्या है? मतलब गरीब को मिले और किसी के पास ज़्यादा चीज़ है तो उसे ले रहा, उसमें कोई जाति तो देख के लिया नहीं गया था, किसी भी पर्टिकुलर एक जात को संपत्ति को लिया गया था। उसमें हर जाति धर्म के लोगों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी जाति धर्म के था जिनके पास भी था उनसे लिया गया। और भविष्य में भी अगर ऐसी पॉलिसी बने जिनके पास अधिक संपत्ति हो और सभी जाति धर्म में से किसका भी अगर ज़्यादा है तो उसका अगर कुछ ऐसा पॉलिसी बने तो उसमें हर्ज क्या है? गरीब के लिए, देश के लिए, सब लोग तो हम लोग देश में ही हैं, कोई लेके जाएगा क्या मरने के बाद? सब तो इसी जगह रहना है। और हमारे पास अगर ज़्यादा है, अगर हम गरीब लोगों को, किसी को अगर उपयोग आ सकता है तो अच्छी बात है। तो इसलिए ये सब इतना बहस करने की बात है, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, फालतू चीज़ की बहस करेंगे। जो उनको काम करना चाहिए, जो बोलना चाहिए उस पर वो तो बिल्कुल ही बात नहीं कर रहे, खुद ही वो पीछे हट जा रहे हैं। अब वो बोले मंगलसूत्र, मंगलसूत्र पे बताइए, जब 2014 में 25,000 27,000 का रेट था, अभी 75,000 का रेट है। खुद मोदी जी के शासनकाल में सोना का इतना महंगा कर दिया कि हर एक आम आदमी को सोना से बहुत दूर कर दिया गया। तो ये सारे चीज़ें हैं, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। जो उन्होंने 10 साल में वादा किया वो पूरा किया कि नहीं किया, उन पर उनको जवाब देना चाहिए, उन पर बात करना चाहिए, और फालतू चीज़ बोल रहे हैं इस पर क्या जवाब देना। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां उत्तर प्रदेश के अयोध्या में केंद्रीय मंत्री और अमेठी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आज अपने आप को भाग्यशाली समझती हूं कि मैं एक ऐसे युग में जन्मी हूं जिसमें हमारे रामलला को टेंट से भव्य मंदिर में भव्य समारोह में स्थापित होते देखा है। इसी के साथ स्मृति ईरानी ने क्या कुछ कहा, डाले एक नजर। धर्म और धैर्य, निष्ठा और नियम, पुरुषार्थ और पराक्रम की भूमि अयोध्या पर जो भी सनातनी ये सौभाग्य रखता है कि आकर प्रभु के श्री चरणों में, संतों के सानिध्य में सनातन की विजय पताका को लहराते देखे, ये उसके जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है। आज मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ, एक ऐसे युग में जन्मी जिसने हमारे लाला को टेंट से भव्य मंदिर में, भव्य समारोह में प्रतिष्ठित होते देखा। आज विशेषतः संतों का सानिध्य पाकर, उनका स्नेह और आशीर्वाद पाकर मनोबल न सिर्फ बढ़ता है बल्कि पुण्य पथ पर चलने के लिए आज पुनः इनसे प्रेरणा पा रहे हैं। श्री रामलला के चरणों में राष्ट्र की प्रगति, प्रधान सेवक के अच्छे स्वास्थ्य और भारत के वैभव की प्रार्थना कर हनुमान जी के दरबार में उनकी जैसे सेवा भाव मन में हो ऐसा आशीर्वाद मांगा। पुनः कहती हूँ, धर्म और धैर्य, निष्ठा और नियम, पुरुषार्थ और पराक्रम की इस भव्य भूमि पर पधारना आना किसी भी सनातनी के लिए गौरव का विषय है। रामलला की करुणा आज हर मन को छू रही है। राम भक्तों का ये सबसे बड़ा सौभाग्य है कि आज हम प्रभु को इस भव्य रूप में, भव्य मंदिर में
आराध्य के रूप में देख पा रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां महादेव बेटिंग ऐप मामले में कई एक्टर्स का नाम सामने आ चुका है। अब उस लिस्ट में साहिल खान का भी नाम शुमार हो गया है। एक्टर को छत्तीसगढ़ में हिरासत में ले लिया गया है और जहां उसे उन्हें मुंबई लाया जा रहा है। एक्टर साहिल खान को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। एक्टर मुसीबत में पड़ गए हैं। बता दें, महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में उन्हें मुंबई पुलिस SIT ने हिरासत में लिया है। खान द लायन बुक ऐप नाम के एक सट्टेबाजी ऐप से जुड़े हुए थे, जो उस महादेव सट्टेबाजी ऐप नेटवर्क का भी हिस्सा है। मामले में पहले मुंबई पुलिस SIT ने उनसे पूछताछ की और एक्टर ने जमानत के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई। बता दें कि इस चेज में एक्टर्स का भी नाम सामने आने लगा है और लगातार तस्वीरें देखी जा रही है। इस वक्त साहिल खान का नाम सामने आया है, जहां देखा जा रहा है कि उन्होंने हाईकोर्ट का जो दरवाज़ा खटखटाया और उन्हें कोर्ट से याचिका खारिज कर दी गई है। उनकी जमानत की याचिका साहिल खान की खारिज कर दी गई है। बता दें कि उन्हें मुंबई से हिरासत में SIT ने लिया था और पूछताछ की गई थी साहिल खान से, और जिसके बाद उन्हें पूछताछ करने के बाद पूछताछ की गई उनसे, और साथ ही बता दें आपको कि जमानत के लिए कोर्ट का दरवाज़ा साहिल खान ने खटखटाया था, जहां उन्हें नाराज़गी मिली, उन्हें निराशा मिली और कोर्ट ने भी उनकी याचिका को खारिज कर दिया। फिलहाल चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं और साहिल खान की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती नज़र आ रही है। चूँकि जहां तक बात SIT टीम की थी, पूछताछ की थी, लेकिन उसके बाद जब कोर्ट में मामला गया और कोर्ट से जमानत की याचिका खारिज कर दी गई, ऐसे में साहिल खान की जो परेशानियां हैं, मुश्किलें हैं, वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। बता दें आपको कि महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में उन्हें मुंबई पुलिस SIT ने हिरासत में लिया है और खान द लायन बुक ऐप के नाम के एक सट्टेबाजी ऐप से जुड़े हुए थे, जो महादेव सट्टेबाजी ऐप नेटवर्क का भी हिस्सा माना जा रहा है और हिस्सा है। मामले में पहले मुंबई पुलिस SIT ने उनसे पूछताछ की थी। एक्टर ने जमानत के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां गर्मी का दंश, आम गर्मी की जो दंश है वो आम जनता झेल रही है, लगातार देखी जा रही है। कई राज्यों में और कई जिलों में जो है येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है मौसम विभाग की ओर से। बता दें कि भीषण गर्मी से परेशान आम जनता नजर आ रही है। बात करें अगर बिहार की, तो बिहार में भीषण गर्मी पड़ रही है और गर्म हवाएँ चल रही है। दिन हो या रात हो, भीषण गर्मी से राहत नहीं मिल रही। मौसम विभाग की माने तो अगले 5 दिनों तक प्रदेश भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। वहीं शनिवार को शेखपुरा में सबसे अधिक तपा हुआ है, सबसे अधिक तप है, और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा देखा जा रहा है कि लोग अपने घरों से ज़रूरी कामों के वक्त ही निकल पा रहे, धूप इतना ज़्यादा हो चुका है। और इसी बिहार की गर्मी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ सहयोगी पटना से संजय जुड़े हुए हैं। संजय, गर्मी की जो दंश है वो आम जनता झेल रही है, क्या कुछ परेशानियाँ हैं और बिहार के किन किन जगहों पर येलो अलर्ट जारी कर दिया है, रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है? संजय बिल्कुल, देखिए काजल, बिहार में गर्मी जो है उफ वाली गर्मी है और जलन वाली गर्मी है। चेहरे पर जलन और धूप की वजह से लोग जो घरों से हैं वो कम निकल पा रहे हैं। आज सुबह ही जब हमने इस पर खास स्टोरी की है गर्मी को लेकर, तो 42 डिग्री तापमान अभी तक बिहार पटना में है और पटना समेत कई जिलों में है। नवादा है, गया है, शेखपुरा है, भागलपुर है, तमाम उन जिलों में है जहाँ पर पहाड़ी इलाके हैं।
खास तौर पर वहाँ पर गर्मी से लोग परेशान हैं और लोग अपने घरों से कम निकल रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है गर्मी से बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक कोई घर में इमरजेंसी ना हो या ऐसी कोई बात ना हो तब तक लोग अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। और आज रविवार का दिन है, ऐसे भी छुट्टी का दिन है, तो खास तौर पर रविवार के दिन लोग एका दुका ही सड़क पर निकल पाते हैं, लेकिन खास तौर पर जो भी जरूरी काम है वो उसके वजह से निकलते हैं। गर्म हवाएं चल रही है और 42 डिग्री से ऊपर तापमान है, तो कहीं ना कहीं लोगों को चिलचिलाहट वाली धूप से सामना करना पड़ रहा है और गर्मी जो सूर्य है वो आग उगल रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सूर्य की वजह से लोग ये गर्म हवा चल रही है और इसमें ज़्यादातर लोग बीमार पड़ सकते हैं, लू लगने का ज़्यादा चांस है। तो छोटे बच्चे और जो बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं, जो सीनियर सिटीज़न हैं, उन्हें बचने की ज़रूरत है। और जो युवा हैं वो भी घर से ज़रूर निकल रहे हैं लेकिन अपने सर पे तौलिया गमछा या जो भी कपड़े हैं वो सर पे ढक कर निकलते हैं और ज़्यादातर लोग छाता का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमेशा ग्लूकॉन डी और पानी का सेवन कर रहे हैं और जहाँ भी जा रहे हैं वो आम का रस जरूर पी रहे हैं, आम की जो शरबत है उसे पी रहे हैं। कि इससे क्या होगा कि अगर अभी आप बचाव करना है तो आम के शरबत और सत्तू खीरा ककड़ी और ठंडे जो डाव है वो पी रहे हैं, तो ऐसे में ठंडे चीज़ों का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं और जिससे इसी से बच सकते हैं। और लोगों को खास तौर पर प्यास बहुत लग रहा है, जब भी घर से निकले तो आप पानी का बोतल लेकर निकले या तो फिर आप खुद 2-3 लीटर पानी पी कर रहे हैं, तो ऐसे में आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होगी। और सेहत का ख्याल रखें, अभी भी मौसम विभाग ने कहा है कि 4-5 दिन तक कोई राहत भरी सांसें नहीं ले सकते हैं, राहत भरी मौसम से कोई राहत नहीं मिलने वाली है क्योंकि येलो अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में 42 डिग्री से ऊपर तापमान जा सकते हैं लेकिन पटना में अभी फिलहाल 42 डिग्री से थोड़ा जो है अधिक है, जो है 42 डिग्री 1.6 जो है ऊपर मापी गई है। तो ऐसे में लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है जिसके वजह से लोग कम बेस घर से निकल रहे हैं और शाम के जैसे ही सूर्य ढलते हैं तो उसके बाद थोड़ी राहत मिलती है लेकिन तब भी मौसम गर्म रहता है और आधी रात को ही मौसम ठंड होता है। तो लोग जो है बचने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे हैं, कूलर एसी पंखा के इस्तेमाल कर रहे हैं, ठंडी चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, खाने पीने की चीज़ में खाने कम खा रहे हैं, पानी ज़्यादा पी रहे हैं। तो ये खास तौर पर जो है लोग ख्याल रख रहे हैं। तो इस गर्मी में बचने के कई तरह के उपाय हैं और इसी से आप बच सकते हैं। अगर आप घर में चल रहे हैं तो ठंडे पानी से अपने चेहरे को धोकर निकले और जब भी आप घर में जा रहे हैं तो आप ठंडे पानी से ही चेहरे को धो सकते हैं। तमाम चीज़ों का ख्याल आपको रखना होगा इन सब चीज़ों के लिए बचने के लिए। और मौसम में कहीं ना कहीं लगातार बढ़ोतरी हो रहे हैं और 5 से 6 दिनों तक और तापमान में बढ़ोतरी हो सकता है और जो है सूर्य और गर्म हो सकती है और लोगों को गर्म हवा का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में गर्म हवा बह रही है जिसके वजह से लोगों को काफ़ी कठिनाइयां हो रही है, जिससे लू लगने का ज़्यादा चांस है और लोग बीमार पड़ सकते हैं। इसमें जान जाने की भी ज़्यादातर रिस्क हैं, अगर आप बचाव नहीं करते हैं, अगर आप उपाय नहीं कर पाएंगे तो आपकी जान भी जा सकती है। डॉक्टर की माने तो डॉक्टर की तरफ से साफ तौर से निर्देश है कि ठंडे चीज़ों का ठंडे फल और सब्जियों को ज़्यादा सेवन करें और गर्म चीज़ें ना खाएं, जो मांस मदिरा आप अगर खा रहे हैं तो उस चीज़ों पर आप कंट्रोल करें, अंडा खा रहे हैं तो उस सब चीज़ों पर ख्याल रखें क्योंकि आपकी सेहत बिगड़ सकती है और आपकी सेहत पर काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये सब चीज़ें डॉक्टर के तरफ से पूरी तरीके से प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है प्रिस्क्रिप्शन और लोग जो है ये किस तरह से बचाव करना है, किस तरह से उपाय करना है। और जब भी जाएँ तो आप कपड़े सर पर ज़रूर डाल लें कि जिससे लू से आप बच सकते हैं, गर्म हवा आपके चेहरे पे ना आए। तो ये सब चीज़ों का ख्याल आपको रखना होगा और इस तरह के गर्म हवाओं जो चल रही है जिससे नुकसान हो सकता है इंसान को और लोगों को, तो ऐसे में इस तरह से उपाय करना है, लोगों को बचना है और बचाव करके ही अपनी ज़िंदगी को बचाना है। जी काजल, जुड़ने के लिए और बिहार की जनता को भी आगाह करने के लिए और बिहार के मौसम को भी बताने के लिए धन्यवाद संजय हमारे साथ। गर्मी से आगाह किया
रुख करते हैं हम आगे और झारखंड की गर्मी की ओर रुख करते हैं, जहां झारखंड में भी गर्मी का कहर काफ़ी ज़्यादा भयावह देखने को मिल रहा है और झारखंड में भी चार दिनों तक राज्यवासियों को गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। अगले चार दिनों के लिए मौसम विभाग ने एक जो है झारखंड में भी जो है अलर्ट जारी कर दिया है। झारखंड के कई जिलों पर अलर्ट जारी किया हुआ है और इसी के साथ हमारा यूपी का भी अगर हम बात करें, यूपी में भी ऐसी ही तस्वीरें बनी हुई, उत्तर प्रदेश में भी तस्वीरें ऐसी ही बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में भी गर्मी का प्रकोप लोगों को परेशान कर रहा है और गर्मी का दंश लोग झेल रहे हैं। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश के गर्मी के बारे में बातचीत करने के लिए और लोगों को आगाह करने के लिए, अवेयर करने के लिए हमारे साथ सहयोगी सत्येंद्र जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र, गर्मी का दंश आम जनता झेल रही है, काफ़ी ज़्यादा लू की हवाएं चल रही हैं, ऐसे में उत्तर प्रदेश राज्य के किन किन जगहों पर येलो अलर्ट जारी किया गया है और साथ ही ये भी बताएं कि गर्मी से बचने के लिए जनता क्या कुछ करे। सत्येंद्र, बिल्कुल सही कहा काजल, उत्तर प्रदेश में समझिए कि इस वक्त जो है तेज गर्म चल रही है, लू के थपेड़े लोगों के लग रहे हैं, लोगों का घर से निकलना बेहद मुश्किल हो गया है, काम काज भी प्रभावित हो रहा है। ऐसे में ये चिलचिलाती धूप लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर रही है। उत्तर प्रदेश के 32 जिलों में हीट वेव अलर्ट जारी मौसम विभाग के द्वारा किया गया है, मतलब इस हफ्ते इन 32 जिलों में जो है कहीं ना कहीं जो तेज धूप और गर्मी पड़ रही है उससे निजात नहीं मिलने वाली है। इसको लेकर के जहां दिन में तापमान 40 के ऊपर तक पहुंच रहा है, वहीं रात में भी उमस भरी गर्मी देखी जा रही है। मानना यह भी जा रहा है कि रात में कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर एकदम उमस बढ़ रही है, मतलब गर्मी का तापमान बढ़ रहा है। जिस तरीके से देखा गया है कि अक्सर दिन में तापमान बढ़ता था और रात में नॉर्मल हो जाता था, जिससे लोगों को थोड़ा कहीं ना कहीं मौसम के मिजाज से राहत मिलती थी, लेकिन इस बार कई ऐसे जिले हैं जहां पर बड़ी समस्याएं हो रही हैं। रात में अभी कहीं ना कहीं जो है गर्मी बढ़ रही है। हालांकि बीते शनिवार की हम बात करें तो जरूर छुटपुट थोड़ा सा बादल देखे गए थे, जिससे एक दो डिग्री जो है तापमान गिरा था, लेकिन मौसम में बहुत नरमी नहीं देखी गई, मतलब ना ही चिलचिलाती धूप और गर्मी से राहत मिली। तापमान लगभग वही बना रहा, जिससे लगातार लोगों की जो समस्याएं हैं वो बनी हुई हैं गर्मी को लेकर के। लोग अपने घर से अपने हैं, सीनियर सिटीजन हैं और जो बच्चे हैं, ऐसे में गर्मी में उनको समझिए कि बहुत ज्यादा स्वास्थ्य को लेकर के बड़ी परेशानियां हो रही हैं। जहां बुजुर्गों के कहीं ना कहीं मौसम लूज की शिकायतें आ रही हैं, तो बच्चों में भी उसी तरीके की समस्याएं देखी जा रही हैं। लोग अपने बच्चों को लेकर के बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। महिलाएं बाजार जाने के लिए जहाँ बड़ी उत्सुक रहती थी, तो महिलाएं भी कहीं ना कहीं इस गर्मी की वजह से परहेज कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के जो 32 जिले हैं जिसमें इस वक्त जो है हीट की वजह से अलर्ट जारी किया गया है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, मऊ, संत कबीर नगर, आजमगढ़, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, कुशीनगर, कानपुर नगर, रायबरेली, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर बस्ती, गोंडा, उन्नाव, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर और इसके साथ कई और जिले हैं जहां पर तापमान बढ़ने की वजह से वहां लोगों को गर्मी से निजात नहीं मिल पा रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश में बड़े चिकित्सकों और बड़े हॉस्पिटल की तरफ से चेतावनियां जो है जारी की गई हैं और उनको राय दी गई है कि दिन में जो है जब ज्यादा धूप हो 11 से पहले अपना काम निपटा लें और उधर 4 या 5 बजे के बाद लोग अपने घर से निकलें, बहुत बेहद जरूरी हो तभी ऐसे में घर से निकलें। सावधानियां बरतने के लिए जो है डॉक्टरों की तरफ से सलाह दी जा रही है। जहां एक तरफ जब ज्यादा गर्मी हो तो ऐसे में अपने सिर पर कोई कपड़ा डाल के चलें, वहीं आकस्मिक तौर पर या इमरजेंसी में पानी पीने की जब जरूरत हो तो ऐसे में अपनी बोतल साथ में लेके चले पानी के लिए, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि शरीर में पानी की कमी ऐसे में अक्सर होता है, हो जाती है। तो समझिए कि आम जनमानस बेहद परेशान हो जाता है। साथ ही साथ उल्टी जैसी समस्याएं और चेहरे पर जलन
और इसी के साथ आंखों में जो है रेड पन होने लगता है, आंखें लाल हो जाती हैं कड़ी धूप के बीच। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए आपको समय से ठंडी चीजों का सेवन करना चाहिए। इस दौरान खीरा है, ककड़ी है और तरबूज खरबूज जैसे तमाम जो रसदार फल है उनका सेवन ज्यादा करें। इसी के साथ धूप में जो है बेवजह ना निकले, इमरजेंसी में जब काम हो तभी निकले, बेवजह निकलने से आपके शरीर को कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। इसी के साथ जो पानी जो है अधिक से अधिक पानी पी, ग्लूकोन डी ग्लूकोज वगैरह साथ में लेते रहें, जिससे कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। अगर ऐसा नहीं करेंगे और बेवजह धूप से निकलेंगे तो ये हीट वेव और अलर्ट किया गया है और लू जो चल रही है वो आपकी त्वचा को ही ना नुकसान करे बल्कि आपके पूरे शरीर को कहीं ना कहीं पानी की कमी होने के कारण या फिर अन्य चीजों की कमी होने के कारण काजल समस्याएं हो सकती हैं, जिससे आप गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं। इन सारी चीजों से बचने के लिए तमाम लखनऊ में स्थित जो लोहिया हॉस्पिटल है उसके चिकित्सक लगातार सलाह दे रहे हैं और ये चेतावनी भी दे रहे हैं कि आप समय से निकलिए। इन सारी चीजों को देखते हुए शिक्षा विभाग ने भी स्कूलों का टाइम चेंज कर दिया है, जहां 8 बजे से और 2 बजे तक स्कूल का समय था वो घटा करके उन्होंने सुबह 7:30 बजे से और 1 बजे का स्कूल कर दिया है। सबसे पहले उन्होंने कक्षा 1 से 8 तक का जो स्कूल था उन स्कूलों में ये समय परिवर्तित किया था, लेकिन जब तेज धूप पड़ती रही और समझिए अलर्ट जारी है, ऐसे में हम बच्चों को बाहर निकलने में बड़ा ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए कक्षा 1 से लेकर इंटर तक शिक्षा विभाग की तरफ से 7:30 बजे से 1 बजे तक का जो है टाइम शेड्यूल रखा है। इसी दौरान अब चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो या फिर सरकारी, सभी स्कूलों में इस तरीके की समय सारणी जिला प्रशासन के द्वारा की गई। काजल जी, जाहिर सी बात है सत्येंद्र, गर्मी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं और ऐसे में उन्हें एहतियात बरतने की ज़रूरत है ताकि गर्मी का जो असर है और लू का जो असर है वो लोगों पे ना हो सके। धन्यवाद सत्येंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और उत्तर प्रदेश की गर्मी अपडेट देने के लिए धन्यवाद। और जहां झारखंड में भी गर्मी का दंश आम जनता झेल रही है, बता दें अगले 4 दिनों तक राज्यवासियों को गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। मौसम विभाग की माने तो राज्य के कई जिलों के लिए लू को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, वहीं कई जिलों में भीषण गर्मी को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। रविवार को जिन इलाकों में और जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है उनमें सरायकेला, धनबाद, पूर्व सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, देवघर, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, साहिबगंज के कई इलाके हैं। इन इलाकों में भीषण गर्मी लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो वहीं रांची, रामगढ़ और खूंटी जैसे जिलों में भी हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। वहीं झारखंड पे चर्चा करने के लिए देवघर से हमारे सहयोगी कुणाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुणाल, लगातार तस्वीरें आ रही है गर्मी को लेकर के काफ़ी परेशान है आम जनता, गर्मी का दंश झेल रही है, ऐसे में दुमका में भी ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। कुणाल जी, बिल्कुल, गर्मी को देख लोग पानी और बिजली से पहले जिस स्तर नीचे चलते जा रहा है में जो पानी की समस्या उत्पन्न हुई है। कई जगह हैं जहां पर चल हो या फिर जो है सप्लाई नहीं होने के कारण पानी जो है नदी पोखरा में ले रहे हैं, ऐसी तस्वीरें सामने आने। अगर हम बात कर लें बिजली की तो बिजली की भी कटौती ज्यादा होने लगा है, जिस प्रकार से सप्लाई हो जाए ऐसे में ज्यादा मैं जो है रहता है परेशान, चूंकि दुकान तो है ही, रात की अगर घर में तो वहां पर बिजली नहीं रहने के पंख और इनमें से लोग तस्वीरों की समस्या की बात कर लें। अगर मौसम विभाग जो जारी कर गया है सरायकेला, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, देवघर, जामताड़ा, दुमका, साहिबगंज के इलाके में जो है अभी लू चल रहा है, अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही हीट वेव को लेकर बात कर लें तो रांची और खूंटी में जो है अलर्ट किया गया है। लोग धूप से बचने के लिए घरों में रहो और जरूरी सड़कों पर लोग या फिर नौकरी पेशा कर जाते हैं तो वो लोग नारियल पानी का उपयोग करते, तो नारियल का उपयोग नहीं करते हैं, वह पोर्टल में लेते हैं और पानी करते हैं। चीजों से भी रोक दिया गया है, डॉक्टर द्वारा भी यह सजेस्ट किया जाता
लोग अभी मांस मनी अंडा सामने जरूर खाएं, सत्तू का सेवन करने जो है पेट भरा, इसी जो है से निजात पाता ठंडक और पेट, चूंकि अगर आप लू में जा आपका पेट खाना चूंकि खाली तो लू जो है आपको मार सकता है, साथ ही है सर पर छा और छाता ले सब पर निगाह अगर बात कर लें तो उनका जिला पर तो उनका जिला पर अलर्ट मोड पे काम कर रही है, तुरंत में जो है ना जो है टॉल दे रहा है कैसे चापा कर खराब रहे हैं समस्या कर रहे उस जो है अलर्ट मोड कर रही है, यानी 24 घंटे अंदर जो है उसको कर रही है, अगर बात कर लें तो ट्रांसफर को दुरुस्त कर जिले के अधिकारी निर्देश हैं कि आप जो है किसी भी सूरत में बिजली कटनी नहीं चाहिए, लेकिन समस्या जी कुणाल गर्मी का जो कह रहे हैं वो काफी ज्यादा परेशान कर रहा है आम जनता को। कुणाल आपका आपकी आवाज सही से नहीं आ पा रही है, कुणाल आपसे फिर से जुड़ेंगे। दर्शकों को हम बता दें कि आज जो गर्मी को लेकर के जो तस्वीरें सामने आ रही है ये तस्वीरें काफ़ी भयावह है और ये ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है झारखंड के भी कई जिलों में, और वहीं हम बात करें बिहार की और उत्तर प्रदेश की तो उधर की भी वही अन्य राज्य को भी की भी यही स्थिति है कि येलो अलर्ट जारी कर दिया और रेड अलर्ट जारी कर हमें कुणाल सहयोगी कुणाल ने बताई कि कई जगहों पर जो है दुमका की अगर हम बात करें तो दुमका में प्रशासन अवेयर है इस चीज़ से और प्रशासन ने टोल फ्री नंबर जारी कर रखा है जहां भी किसी भी तरीके की परेशानी हो आम जनता संपर्क कर सकते हैं और चापानल या फिर किसी भी पानी की परेशानी होने सुविधा जल्द से जल्द पहुँचाई जाएगी। हमारे साथ दुमका से कुणाल जुड़े हुए थे, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए कुणाल, और ये गर्मी को लेकर के इन सारी बातों को हमारे समक्ष रखने के लिए दर्शकों के समक्ष रखने के लिए फिलहाल हो चला है वक्त, फिलहाल चाहूँगी इजाज़त, लेकिन गर्मी से बचें आप लोगों से यही अनुरोध है, लाइव इंडिया हर पल की अनुरोध है कि आप लोग गर्मी से बचें और गर्मी से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करें और पानी के फलों का सेवन करें ताकि गर्मी का कहर जो है वो आप पे ना पड़ सके, आपके सेहत पे ना पड़ सके। फिलहाल चाहूंगी इजाजत, फिर होगी मुलाकात, नमस्कार।